हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो घर पे पहुंचने के बाद अभी जस्ट मैंने जर्सी का ट्रेलर देखा है स्टारिंग शाहिद कपूर एंड मृणाल ठाकुर। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये सेम मूवी तेलुगु में आ चुकी है 2019 में, जिसका नाम भी जर्सी था एंड दोनों के जो डायरेक्टर थे वो भी सेम है। तो जर्सी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। सो जो करंट मूवी जो जर्सी का जो ट्रेलर है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पुराने वाले ट्रेलर से जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो हूबहू सेम है पूरा, एक एक सीन्स कॉपी किए गए। तो इससे पता चलता है कि पूरी की पूरी मूवी कॉपी पेस्ट होने वाली है ये। सो वैसे भी अभी ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में कॉपी पेस्ट का, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कबीर सिंह भी शाहिद कपूर की बहुत ही अच्छी और हिट मूवी थी, ऑलमोस्ट 280 करोड़ रुपये उसने कमाए हैं। तो वो मूवी भी एक कॉपी थी अर्जुन रेड्डी की। एंड सिमिलर वे में आप देखेंगे तो अभी जो कुछ आने वाली मूवीज़ है अंतिम, वो भी एक कॉपी है मुल्शी पैटर्न का, जो कि एक मराठी मूवी है। सो आने वाली एक और मूवी है आमिर खान की, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, वो भी एक इंग्लिश मूवी का कॉपी है, फॉरेस्ट गम। तो ये सारी अभी कॉपी का ट्रेंड चल रहा है। तो जर्सी का ट्रेलर देखिए, मुझे कुछ इतना मज़ा नहीं आया जर्सी, जबकि अगर आप इसकी जो ओरिजिनल वर्जन है तेलुगु का, वो हिंदी में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड आपको डिज्नी हॉटस्टार पे भी मिल जाती है ये मूवी देखने के लिए। तो अगर जिसने अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली ये मूवी देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है एंड काफ़ी इमोशनल मूवी है ये। तो उनके जो कैरेक्टर है ओरिजिनल जर्सी के, नानी करके एक्टर है एंड श्रद्धा करके एक्ट्रेस है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया एंड काफ़ी अच्छी प्रेजेंट किया है। सो आई डोंट नो अभी शाहिद कपूर कैसे करते हैं। सो ट्रेलर में तो पता चल रहा है कि शाहिद कपूर ने ये मूवी को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है एंड डेफिनेटली मूवी देखने के बाद ही अब हमें पता चलेगा कि उन्होंने ये कैसे कैसा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। सो ये डेफिनेटली थोड़ी बहुत आपको मिलती जुलती लगेगी कबीर सिंह से, क्योंकि ये उसी टाइप की मूवी है एंड काफ़ी इमोशनल साइड पे है ये मूवी। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक वापस कॉपी पेस्ट होगा एंड वापस एक साउथ मूवी का रीमेक होगा। तो जैसे सलमान खान है एंड अजय देवगन है, ये सब साउथ की मूवीज़ का भी रीमेक करे, उसी तरीके से आई थिंक शाहिद कपूर भी वही लेवल पे चल रहे हैं एंड एक मूवी हिट हो गई है तो उसके बाद उन्होंने दूसरी मूवी अभी कॉपी पेस्ट कर दी है। सो लेट्स सी कैसी होती है मूवी। ट्रेलर तो ओके टाइप्स है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने पर्सनली ये मूवी देख चुका हूँ, आप लोगों को शायद पसंद आया होगा ये ट्रेलर। सो ये मूवी का एक और फैक्ट बता दूँ आपको, तो जो एक्ट्रेस का रोल है वो ऑफर पहले हुआ था रश्मिका मंदाना को, जो कि एक कनाडा एक्ट्रेस है एंड इनिशियली पहले उनको लिया गया था ये मूवी में एंड देन फिर मृणाल ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ बाय एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ 2020। सो जो ओरिजिनल जर्सी है उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है। सो अभी देखते हैं कि शाहिद कपूर कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। सो आपको क्या लगता है ये मूवी के रिगार्डिंग, अगर आपको लगता है कि ये मूवी उस लेवल तक के पहुंच पाएगी एंड उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, अगर आपको लगता है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड सो ये था जर्सी का ट्रेलर रिव्यू एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग बैंकर भाई। हैव अ ग्रेट डे, एडियोज़।